हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंपेटस एकेडमी। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे करेंट अफेयर्स में रिवीजन हम लोग कर रहे थे, ठीक है। करेंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करते हैं यहाँ पे डेली, जो लगभग एक साल का इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है हमारे एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो उनका हम लोग यहाँ पे रिवीजन करते हैं पर डे कुछ। यहाँ पे हम लोग जो है करेंट अफेयर्स हर दिन नया सीखते हैं, याद करते हैं प्रीवियस जो भी क्वेश्चंस हमारे हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग यहाँ पर रिवीजन करते हैं, और जो रिसेंट में जो रिसेंट में एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें जो करेंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आए हैं उसे भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ताकि जो है अगर फिर से अगर हमारे एग्ज़ाम में आता है तो हम उसे ईजिली अपने एग्ज़ाम में टिक कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग रिवीजन में आगे पढ़ते हैं। और आप लोग को तो पता ही है द इंपेटस एकेडमी पे हम लोग जो है इंग्लिश पढ़ रहे हैं, साथ साथ में ये करेंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ लेसन्स जो हैं कुछ टाइप्स जो हैं हम लोग रीजनिंग के भी सीखे हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट ये है आज का कि हम जो है द इंपेटस एकेडमी पे MB पब्लिकेशन, जो भी SSC के प्रॉपर स्टूडेंट होंगे, कैंडिडेट होंगे, एस्पायरेंट होंगे, देखिए कितना सारे सैनोनिम्स बोल दिए हैं, ठीक है। तो जो भी SSC के एस्पायरेंट्स हैं सीरियस, उन्हें MBA पब्लिकेशन का इम्पोर्टेंस पता होगा कि इंग्लिश के लिए MBA पब्लिकेशन जो है सबसे बेहतर बुक है प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं कि उसका सॉल्यूशन कराया जाए ईयर वाइज करके। हम लोग कम से कम 2014 से 2019 यानी कि 5 साल का क्वेश्चन जो भी है प्रीवियस ईयर का हम लोग यहाँ पे सोल्व करेंगे, साथ साथ में सीखेंगे, उसको समझेंगे, ठीक है। तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है द इंपेटस एकेडमी पे, ठीक है, द इंपेटस एकेडमी टेलीग्राम पे। जो भी लोग ऑपरेट किए हुए हैं या जो सब्सक्राइब किए हुए हैं उनके लिए सही है, जो नहीं सब्सक्राइब किए हुए हैं अगर वो चाहते हैं कि MBA पब्लिकेशन का सॉल्यूशन उनको मिले, आप अपने ही भाषा में समझेंगे, वहाँ पे कोई भी आपको किताबी लैंग्वेज नहीं समझाया जाएगा, ठीक है। आप लोग ऐसे भी यहाँ पे हम लोग जुड़े हुए हैं जो उनको पता है कि यहाँ पे हम लोग किताबी भाषा यूज नहीं करते हैं, अपने ही भाषा में सीखते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो जिनको MBA पब्लिकेशन में चाहिए सॉल्यूशन का, वो प्लीज़ द इंपेटस एकेडमी टेलीग्राम चैनल, जो टेलीग्राम आपका ऐप है उसे इंस्टॉल करें और इसे ज्वाइन करें, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं और इंटरेस्टेड जो नहीं भी हैं उनके लिए भी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज्वाइन करें, क्योंकि इंग्लिश या SSC के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें हर सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोग सभी को पता है हर सेक्शन 50 मार्क्स का होता है, तो सारा सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ उसे ज्वाइन करें, आपको वहाँ पर बेनिफिट ही होगा, क्योंकि वहाँ पर द हिंदू का वर्ड मीनिंग भी अवेलेबल है, ठीक है। अभी तो ऑलरेडी हम लोग 1200 वर्ड मीनिंग पढ़ चुके हैं वहाँ पे, मतलब जो मेन वर्ड हमारा है 600 और उसका साइनो एक एक, ठीक है, तो 1200 हो गया लगभग। तो हम लोग 1200 और 1500 के आसपास अभी हम लोग साइनो एंटो भी पढ़ चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी हम लोग साथ साथ में बहुत कुछ सीख रहे हैं। टेलीग्राम पे आपको GS के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वहाँ पे वन लाइनर में, वो भी आपको वहाँ पे दिए जाते हैं। इधर लगभग 1 वीक से नहीं अपलोड हो रहा है GS का, ठीक है, लेकिन जो द हिंदू का वर्ड मीनिंग है वो रेगुलर अपडेट किया जा रहा है। तो आप प्लीज़ वहाँ पे ज्वाइन करें, आपको वहाँ पे MBA पब्लिकेशन जो है रेगुलर लगभग, क्योंकि एग्ज़ाम में अब ज़्यादा दिन है नहीं, तो हम हर दिन 1 से 2 चैप्टर जो है प्रीवियस 5 साल का क्लियर करते जाएंगे, ताकि अगर एग्ज़ाम आते आते आप इंग्लिश में कम से कम 40+ मार्क्स ला पाएँ ईजिली, ठीक है। तो बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, ज्वाइन करना है और समझना है, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट करें, या फिर उसके लिए भी एक चैट ग्रुप बना दिया जाएगा ताकि सारे लोग वहाँ पे अपना प्रॉब्लम डाल सकते हैं और हम इधर से सॉल्यूशन करके देंगे, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं जरूर कमेंट करें और टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करें। चलिए आज हम लोग करेंट अफेयर्स रिवीजन में आगे पढ़ते हैं। देखिए, प्रणाम आयोग किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, प्रणाम आयोग जो है किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो ये असम राज्य सरकार ने शुरू किया है। असम सरकार जो है शुरू किया है प्रणाम आयोग। ये किस लिए शुरू किया गया था, कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, राज्य कर्मचारी, सरकारी राज्य कर्मचारी, वो अपने माता पिता की देखभाल करें, ठीक है। ये माता पिता के लिए ही प्रणाम आयोग की शुरुआत की गई थी असम सरकार के द्वारा, ठीक है। तो अपने पेरेंट्स का वो ख्याल रखें सही से, उनके लिए, उसके लिए है ये एक आयोग, प्रणाम आयोग, ठीक है, असम सरकार द्वारा शुरू किया गया है, असम सरकार। चलिए देखते हैं आगे, समर्थ पहल की शुरुआत किसने की है, समर्थ पहल की शुरुआत की है फ्लिपकार्ट ने, किसने, फ्लिपकार्ट ने। जो
बुनकर होते हैं, बुनकर होते हैं, बुनकर मतलब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, जो बुनकर होते हैं उनके लिए है ये समर्थ पहल। ठीक है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, ये फ्लिपकार्ट के द्वारा शुरू किया गया है बुनकरों के लिए। चलिए देखते हैं आगे, स्थानीय लोगों के लिए 75% निजी नौकरियों में आरक्षित करने वाला पहला राज्य कौन बना है। 75% एक बहुत ही बड़ा परसेंटेज है स्थानीय लोगों के लिए, जो वहाँ के हैं स्थानीय लोग उनके लिए 75% निजी नौकरियां आरक्षित करने वाला पहला राज्य कौन बना है, ये बना है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश 75% निजी नौकरियां आरक्षित करने वाला पहला राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। चलिए देखते हैं आगे, प्रेसिडेंट कप में गोल्ड मेडल जीतने वाला पहला भारतीय जो है बॉक्सर कौन बने हैं। प्रेसिडेंट कप में गोल्ड कप जीतने वाले पहले भारतीय बॉक्सर कौन बने हैं, ये बने हैं शिवा थापा। कौन बने हैं, शिवा थापा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे, हॉल ऑफ फेम टेनिस चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है। हॉल ऑफ फेम जो है टेनिस चैंपियनशिप खिताब जीता है जॉन इस्नर ने। किसने, जॉन इस्नर, जॉन इस्नर है ये जो है अमेरिका के हैं टेनिस प्लेयर, अमेरिका के, इन्होंने जीता है हॉल ऑफ फेम टेनिस चैंपियनशिप खिताब। ठीक है, ये कहाँ के हैं, तो ये अमेरिका के हैं। चलिए देखते हैं आगे, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। अभी रिसेंट में इसके लिए वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग है, ये बैठक हुआ था, तो हमें ये जानना जरूरी है कि उसके अध्यक्ष कौन है। उसके अध्यक्ष है एन के सिंह। ठीक है, कौन है, एन के सिंह, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। चलिए देखते हैं आगे, IAAF वेटरन पिन से किसे सम्मानित किया गया है। IAAF वेटरन पिन से किसे सम्मानित किया गया है, ये सम्मानित किया गया है पीटी उषा को। किसे, पीटी उषा जी को। ठीक है, ये IAAF जो होता है ये आपको बताना है इसका फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, IAAF वेटरन पिन से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये पीटी उषा जी को सम्मानित किया गया है। चलिए देखते हैं आगे, बंगाल ओपन स्क्वैश पुरुष खिताब किसने जीता है। बंगाल ओपन स्क्वैश पुरुष खिताब किसने जीता है, ये जीता है अभय सिंह ने। अभय सिंह ने जीता है बंगाल ओपन स्क्वैश पुरुष खिताब। ठीक है, और महिला में किसने जीता है, ये भी हम लोग जान लेते हैं साथ में। महिला बंगाल ओपन महिला स्क्वैश महिला खिताब किसने जीता है, ये जीता है तन्वी खन्ना ने। किसने, तन्वी खन्ना ने। ठीक है, तन्वी खन्ना, तन्वी खन्ना जो है आपकी महिला में है बंगाल ओपन स्क्वैश महिला खिताब जीतने वाली तन्वी खन्ना, और पुरुष में किन्होंने जीता है बंगाल ओपन स्क्वैश पुरुष खिताब, अभय सिंह ने। ठीक है, तो यह है आज का इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स का, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ लेसन्स को पूरा देखा करें, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो प्लीज़ कमेंट करेंगे जो आपको एमबीए पब्लिकेशन के लिए अब क्या आपका सोच है, क्या आप चाहते हैं। ठीक है, और वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा हो तो, और शेयर करें ताकि आपके साथ साथ और लोग जुड़े हमारे साथ सीखें। ठीक है, मिलते हैं कल के क्लासेस में, थैंक यू।